नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बैटरी की अनबॉक्सिंग कर ली है। ये मेरी एविएटर के लिए है। एविएटर का मैंने ये बॉक्स को आगे का बोनट खोल रखा है। इसका नोज आती है, यहाँ पे बैटरी डलती है। इसका मैं बता दूँ, इसके अंदर वारंटी कार्ड आता है, उसके बाद ये चार नट आते हैं जो अपनी बैटरी में लगेंगे, और ये इसका बिल है जो कि मैं आपको बता दूँ 850 रुपये का आया है। 850 रुपये की आई है। तो एमरॉन की बैटरी आप रिकमेंड करूँगा कि आप भी एमरॉन की बैटरी यूज़ करें। 850 जो जयपुर में मिली है मुझे। तो चलिए दोस्तों, इसकी अपन और इसका वारंटी कार्ड ये इंपॉर्टेंट होता है, वारंटी कार्ड को संभाल के रखना। जैसे कि आप देख सकते हो तो मैंने इसकी नोज ये इसका खोल रखा है। इसको इंस्टॉल में करता हूँ कुछ नहीं। इसका एक यहाँ नट आता है, एक पीछे की साइड आता है, एक नीचे आता है, एक यहाँ इसको खोलना है, इसको लगाना है। ये लग गया है। उसके बाद इसको जो बोल्ट आते हैं, जो न्यू बोल्ट आए हैं बैटरी के साथ, वो लगाने हैं। उसका लगाने का प्रोसेस ये है। इसके अंदर इसको आटा लगाना है और इसके ऊपर ना इसको सेट करना है। ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव वाले को नेगेटिव लगाना है। ये लग गया और ये दूसरा है, दूसरा नट है, तो इसको भी अपने को इसके नीचे लगाना है। सेंटर में लगा के ये पॉजिटिव वाला जो है ये लगाना है इस तरह से। जैसे कि आपको बता दूँ, मैंने पहले बैटरी खोल के क्या मार्केट लेके आया था मैं, तो इसको प्लेस करा के दूसरी ले ली मैंने। तो दोनों मैंने टाइट कर देता हूँ पिचकस की सहायता से, और ये वाला जो दोनों ये मैंने टाइट कर लिया अच्छी तरह से। जो बैटरी थी मैंने के इसको बैटरी जमा करा दी और दूसरी बैटरी नहीं लिया है। इसके बाद देखते हैं, अब इसके ऊपर जो बॉक्स आता है इसका आपको ऐसे लगाना है। दोनों चीज़ें आपको देखनी है। ये लूज़ रहता है तो गाड़ी की आवाज़ आएगी आपको। तो ये यहाँ से लोगों का, और ये जो है इसका ऊपर का कवर बॉक्स, ये ताकि बैटरी कहीं नहीं जाएगी अब आपकी। ये यहाँ से इसको बैटरी लॉक हो जाता है, इसको बैटरी का ऊपर लगाता है। ये मेरे पास दूसरा इसमें बोल्ट लगा था, मेरे पास था नहीं। ये एक्टिवा के हेड का बोल्ट है, लग गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी नई बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बैटरी मैंने फर्स्ट क्लास फिट कर दी। थोड़ा टाइट कर लेना है इनको, हो सके तो लुब्रिकेट थोड़ा सा ग्रीस लगा के इसको फिट करना है। अभी मेरे पास ग्रीस है नहीं, मैं बाद में इसको लगा लूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन किया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये था अपनी बैटरी इंस्टॉलेशन का। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी एमरॉन की बैटरी लगाएं, क्योंकि अच्छी आती है, 4 साल तक कहीं नहीं जाती, मैक्स टू मैक्स। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।